मोदी सरकार का तीसरा कैबिनेट फेरबदल, किसको मिलेगी जगह, किसका घटेगा कद, मोदी शाह की स्पेशल क्लास। मोदी की कैबिनेट का एक बार फिर विस्तार होने वाला है। एक बार फिर मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों के प्रोटोकॉल में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किसको मिलेगी जगह और किसका घटेगा कद, इसको लेकर पशोपेश लगातार जारी है। राजनीतिक गलियारों की हलचलें बता रही हैं कि हाल ही में बिहार में बीजेपी के साथ मिली जेडीयू को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, तो कई मंत्रियों को उनके मौजूदा कद से कमतर भी किया जाएगा। जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार में उन्हें हिस्सेदारी मिले या ना मिले, लेकिन गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं जो AIDMK को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात चल रही थी, उन पर भी अब विराम लग गया है। सूत्रों के मुताबिक अन्नाद्रमुक की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार पर चुप्पी साधी जा रही है। किसका बढ़ेगा कद, अटकलों के बाजार में प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान का कद बढ़ाए जाने की चर्चाओं पर जोर है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इन तीनों मंत्रियों के कामकाज से खुश हैं, लिहाजा साफ है कि इन तीनों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन चेहरों को मिल सकती है जगह। ओम माथुर, राज्यसभा सांसद राजस्थान। प्रहलाद पटेल, लोकसभा सांसद दमोह मध्य प्रदेश। सतपाल सिंह, लोकसभा सांसद बागपत उत्तर प्रदेश। विनय सहस्त्रबुद्धे, राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र। प्रवेश वर्मा, लोकसभा सांसद पश्चिमी दिल्ली। सुरेश अंगाड़ी, लोकसभा सांसद बेलागवी कर्नाटक। अनुराग ठाकुर, सांसद हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। यही नहीं, इसके अलावा भी मंत्रिमंडल में और नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से CM कैंडिडेट के रूप में JP नड्डा को पेश किया जाना है। लिहाजा अनुराग ठाकुर के लिए ये अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। इन मंत्रियों की हो चुकी है छुट्टी। उमा भारती, सांसद झांसी उत्तर प्रदेश। राजीव प्रताप रूडी, सांसद सारण बिहार। फग्गन सिंह पुलस्ते, सांसद मंडला मध्य प्रदेश। संजीव बालियान, सांसद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। महेंद्र नाथ पांडे, सांसद चंदौली उत्तर प्रदेश। उमा भारती से इस्तीफा ले लिया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें दूसरा मंत्रालय दिया जा सकता है। यही नहीं, जिन अन्य मंत्रालयों के मंत्री पद से इस्तीफे लिए गए हैं, उन्हें अमित शाह की टीम में काम करने का मौका मिलेगा, यानी अब वो संगठन का पार्ट होंगे। महेंद्र नाथ पांडे को तो UP में BJP की कमान भी सौंप दी गई है और बाकी नेताओं को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम फैसला PM मोदी और अमित शाह को ही करना है। PM मोदी जिन मंत्रियों के कामकाज से नाखुश हैं, उन्हें शाह की टीम में ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी संगठन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यही नहीं, जिस राज्य में आने वाले समय में चुनाव हैं, वहां से भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रविवार को 10 बजे सरकार के नए मंत्रियों के तौर पर किस किस को शपथ दिलाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।